अर्लिंग ब्रॉट हालैंड हैज गॉन टू मैनचेस्टर सिटी बॉयज एंड ये सागा जितनी जल्दी रैप अप हुई है ना, ये सिटी का इंटेंट दिखाता है, सिटी की प्रोएक्टिवनेस दिखाता है ट्रांसफर मार्केट में, सिटी कितनी वेल रन होती है वो दिखाती है। और अगर आप संडे लीग पंडित्स पे आएंगे, एक चीज और आपको देखने को मिलेगी कि आर चैनल इज नॉट डूइंग वेरी वेल। तो अगर आप यहाँ पे नए हैं पुराने हैं, प्लीज हिट अ लाइक ऑन दिस वीडियो, ड्रॉप अ कमेंट इफ यू लाइक दिस वीडियो एंड सपोर्ट दिया संडे लीग पंडित्स को, बिकॉज इस पॉइंट ऑफ टाइम पर हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है भाई। तो अगर आप संडे लीग पंडित्स को आगे बढ़ना देखना चाहते हैं तो डू वॉट आई सेड एंड शुरू करते हैं बस। But before we begin, we would like to thank OneFootball for their continued support to the Sunday League Pundits. OneFootball is our go-to app for any updates we need regarding transfers, squad updates, injury updates, match updates, all sort of updates regarding our favorite clubs, all in one place at the right time whenever we need them at our convenience. So OneFootball is the best app for any sort of football updates you need. So if you're looking for instant updates regarding anything and everything in the world of football, OneFootball is the app to download. The link is in the description down below. Download the app now and keep supporting the Sunday League Pundits. इस ट्रांसफर की अपडेट में OneFootball से मिली थी एंड जब मैंने देखा भाई आई वाज लिटरली शेल शॉक, क्योंकि एक सागा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ना कि भाई अभी चलेगी समर में, अभी समर लंबी चलेगी, 75 मिलियन का रिलीज क्लॉज है, काफी क्लब इंटरेस्टेड है, कुछ क्लब अफोर्ड कर सकते हैं कुछ नहीं कर सकते, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन ट्रांसफर विंडो भी खुली भी नहीं भाई, उससे पहले सिटी ने डील निपटा दी, इससे आप सिटी का इंटेंट जान सकते हो। मुझे एक चीज ये भी लग रही ना बिफोर कमिंग ऑन टू हालैंड की, हालैंड कैसे फिटिंग करेगा मैनचेस्टर सिटी में उस पे आने से पहले, एंड व्हाई हालैंड साइन फॉर मैनचेस्टर सिटी एंड व्हाई ही चोज मैनचेस्टर सिटी सो अर्ली, उस पे आने से पहले मुझे ऐसा लगता है शायद पेप रिन्यू करेगा, क्योंकि ये साइन 75 मिलियन की साइनिंग नहीं है भाई। हालैंड की सैलरी सब कुछ अकाउंट में लोगे तो इट्स अ क्वार्टर ऑफ अ बिलियन, 250 मिलियन की ये साइनिंग है, 4-5 साल जितने को कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा, 5 साल बेर मिनिमम, इट्स अ 250 मिलियन साइनिंग भाई। तो अगर पेप अगले साल जा रहा होता तो मे बी वो सिटी बोर्ड को इतना नहीं कहता या इतना इंटेंट नहीं दिखाता हालैंड पे। तो हालैंड कमिंग ऑन, आई थिंक पेप इज गोना स्टे एटलीस्ट टिल 2026 जब तक जर्गन क्लॉप है लिवरपूल में। और अब फाइनेंशियली पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखो तो इट इज नॉट अ मूव विच इज बिकॉज ऑफ द फाइनेंसिस इन्वॉल्व या सिटी ने पैसे फेंक दिया हालैंड पर इसलिए आ गया। हिज वेजेस आर गोइंग टू बी द सेम एज डी ब्रॉयन, डी ब्रॉयन इज पेड 375,000 पाउंड्स अ वीक, अर्लिंग हालैंड को भी उतने दिए जाएंगे। सो इट जस्ट गोस टू शो कि हालैंड इज बॉट इनटू मोर इनटू द विजन, जैसे उत्कर्ष ने कहा कि पेप भी शायद एक्सटेंड कर दे, कि ये एक साल का विजन नहीं, क्योंकि पेप का कॉन्ट्रैक्ट एज इट स्टैंड्स इज गोइंग टू एक्सपायर नेक्स्ट समर। तो आप इतनी बड़ी डील जिसमें इतने आपको कॉम्प्लेक्स डील है विच इज मोर फॉर द फ्यूचर, आपको इसमें क्लब में ही इतने सारे इन्स एंड आउट्स करने पड़ेंगे, इट डजंट लुक लाइक कि हालैंड बस एक साल के लिए पेप के साथ काम करने के लिए आया। ही सीज अ लॉन्ग टर्म विजन एट मैनचेस्टर सिटी, उसका कॉन्ट्रैक्ट भी जो प्रपोज्ड है इट्स गोइंग टू बी अप टिल 2027, दिख रहा है कि हिज इंटेंट इज टू स्टे एट मैन सिटी एंड अचीव समथिंग। और जो फाइनल पीस ऑफ द जिग्सो की भी हम बात करते रहते हैं, जैसे वीडियो का टाइटल भी है, कि क्या चैंपियंस लीग फाइनली पेप के पास आ जाएगा, क्योंकि इसमें टैक्टिकल चेंजेस, क्योंकि अब टैक्टिक्स पे भी आना पड़ेगा, टैक्टिकल चेंजेस पेप को बहुत मैसिवली करने पड़ेंगे, क्योंकि जब से ये एग्वेरो के बिना खेल रहे हैं, बिना स्ट्राइकर के खेल रहे हैं, तो दे हैव बीन प्लेइंग नो फिक्स्ड मैन अप फ्रंट, कभी हेजूस खेलता है, कभी फोर्टन खेलता है, कभी डिब्रॉयन खेलता है, कभी बर्नार्डो सिल्वा, इवन ग्रीलिश हैज प्लेड अप फ्रंट आफ्टर बीइंग साइंड। तो एक टीम में आपके एक फ्लो नहीं है, आपके जो अटैकिंग नंबर्स हैं, आपके जो अटैकिंग थ्रेट है, दैट इज स्प्रेड अमंगस्ट अ लॉट ऑफ प्लेयर्स, मिडफील्डर्स, अटैकर्स, फॉरवर्ड्स, सब शेयर करते हैं ये। सो हालैंड के आने से इट इज वेरी ऑब्वियस कि सम प्लेयर्स विल सफर एंड सम प्लेयर्स यू नो विल प्रोबेबली प्रॉस्पर, और कुछ प्लेयर क्लब छोड़ के भी जाएंगे। तो उत्कर्ष, क्या लगता है कि सिटी का जो डायनामिक है पूरा इन टर्म्स ऑफ हाउ दे प्ले, वो कैसे चेंज होगा हालैंड के आने से? देखो, एक चीज तो इट्स बट ऑब्वियस है कि हालैंड जिस हिसाब से सिटी चांस क्रिएट करती है उस हिसाब से वो चांसेस फिनिश नहीं करती है, दे क्रिएट अ वेरी हाई वॉल्यूम ऑफ चांसेस लेकिन उतने गोल उनके नहीं आते। और अगर मैं हालैंड की स्टैट्स की बात करूं विद दोस वॉल्यूम ऑफ चांसेस, देखो स्टैट्स सबको पता है, लीग गोल्स देख लो, बोरुसिया डॉर्टमुंड रिकॉर्ड देख लो, 88 मैच 85 गोल भाई, ऑलमोस्ट गोल अ गेम एट 21 ईयर्स ओल्ड, आई नो प्रॉपर लीग, ऐसे भी नहीं ना कि फ्रेंच लीग, नो मैं एम्बाबू को डिस्पेक्ट नहीं करो, फ्रेंच लीग में या क्या कह सकते हो पोर्टुगीज लीग में, इट्स अ प्रॉपर लीग, कॉम्पिटिटिव लीग भाई, चैंपियंस लीग में रिकॉर्ड उसका स्पीक्स फॉर हिज ओन। पर हमने यार ऐसे ट्रांसफर होते हुए देखे हैं जो बिग मनी है, जो कभी चैलेंज, जो प्लेयर लगता था कि चलेगा ही चलेगा, तो देखिए हालैंड के साथ एक बात है कि हालैंड इज वेरी गुड इन ट्रांजिशन व्हेन ही इज ऑन द काउंटर, आपको लगा पता है, लेकिन हालैंड क्लोज स्पेसेस में कैसे ऑपरेट करेगा अंडर पेप, क्योंकि सिटी के मैचेस आप देख रहे हो, अगर बारिंग 1-3 टीम इज नॉट गोना गेट सो मच स्पेस, हर कोई सिट बैक करके डिफेंड करता है सिटी पे, काउंटर आपको मैच मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे, लेकिन अब बॉल 60+ पोजीशन आपके पास मोस्टली हर मैचेस में रहती है एंड आपके पास इतनी रनिंग स्पेस नहीं होगी, आपके पास इतनी ओपन स्पेस नहीं होगा, तो उसका निफ्टी फुटवर्क तो है नहीं हालैंड के इतना। तो देखते हैं टाइट स्पेसेस में हालैंड कैसे ऑपरेट करेगा, पेप उसके लिए क्या चेंज करता है, तो देखो वो तो मुझे भी नहीं पता, वो किसी आपको भी नहीं पता, वो पेप को ही पता है, तो समय ही बताएगा, तो दैट इज हार्ड टू प्रिडिक्ट राइट नाउ। लेकिन ये है कि सिटी का जो प्रोजेक्ट है ना, दैट इज वेरी अट्रैक्टिव, दे हैव नॉट वन द चैंपियंस लीग, बट हालैंड अपना एक करियर सही दिशा में लेके जा रहा है, क्योंकि साइनिंग फॉर बार्सिलोना राइट नाउ डजंट गारंटी यू ट्रॉफीज,
मैड्रिड पे मैं ये सेम नहीं कहूंगा, मैनचेस्टर यूनाइटेड डजंट गारंटी यू ट्रॉफीज, उसके अलावा कौन से क्लब उसमें, पीएसजी जाके बैलेंट और नहीं जीतो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट अनलेस यू विन द चैंपियंस लीग। तो सिटी आके जो अपनी लीग में इतनी डोमिनेंट है, एफए कप और वो तो उनका मतलब लगा ही हुआ है, सालाना दो साल में एक बार तो जीतते ही वो लोग EFL कप। हालैंड मिसिंग पीस ऑफ द पजल है एंड द पजल इज द चैंपियंस लीग, एंड इफ ही विंस द चैंपियंस लीग बैलेंट और वो जीतेगा ही जीतेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अचिन ने एक सवाल पूछा था आउटगोइंग से, मैंने सवाल छोड़ के सबको जवाब दे दिया, तो वापस सवाल पे आते हैं। आउटगोइंग की बात करें तो हीसूस का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है एंड जूलियन एल्वारेस आ रहा है, तो एज एन आर्सेनल फैन मैं खुश हूँ क्योंकि हीसूस एट अ कट प्राइस, जितने में सिटी ने साइन किया था 27 में उसको साइन किया था 27 मिलियन के अराउंड, एंड इफ वी गेट हिम अराउंड द सेम प्राइस आई थिंक इट्स अ वेरी गुड डील फॉर आर्सेनल भाई, क्योंकि यस ही इज नॉट द बेस्ट फिनिशर लेकिन ऑफ द बॉल मूवमेंट, रनिंग फॉर द टीम एंड एंड फ्लेक्सिबल स्ट्राइकर, तो ये एक ऐसा मैं प्लेयर चाहिए एंड हिम कमिंग इन आई एम हैप्पी एज एन आर्सेनल फैन विद दैट साइनिंग। और बाकी प्लेयर्स की अगर बात करें तो देखो मारेस विल स्टे देयर, स्टर्लिंग नहीं मेरे ख्याल से बाहर नहीं आ रहा है, ग्रीलिश का तो कोई सवाल ही नहीं है, फोर्टेन तो मतलब बात करना बेकार है, तो मेरे ख्याल से हीसूस एक आउटगोइंग होगा, बाकी आई थिंक द स्क्वाड विल रिमेन द सेम हियर। और मेरे को इसमें एक और एस्पेक्ट दिख रहा है इस डील में, व्हाई इज गॉन टू मैनचेस्टर सिटी एंड नॉट बार्सिलोना एंड नॉट पीएसजी और मैड्रिड। मैड्रिड में सबसे बड़ा फैक्टर वाज दैट एम्बापे इज गोइंग देयर, तो एक होता है ना कि यू आर द, एक तो मिसिंग पीस ऑफ द पजल की बात अलग होती है, बट यू आर द क्राउन ज्यूवल इन द होल अटैक, आप वो नहीं होते, एक ईगो क्लैश ऑब्वियसली होता, चाहे यू कैन से हालैंड हैज अ लेस ऑफ ईगो देन समबडी लाइक एन एम्बापे, बट इट्स हार्ड टू मेंटेन दोस लेवल ऑफ स्टार्स इन वन टीम, और हमने गैलेक्टिकोस एरर में भी मैड्रिड का देखा था। पीएसजी में बात यही है कि एम्बापे इज लीविंग पीएसजी बिकॉज ही हैज हायर एम्बिशंस फॉर मैड्रिड, तो अगर हालैंड चला जाता है पीएसजी तो ऐसा मूव हो जाएगा कि यार आपका एम्बिशन क्या एम्बापे से कम है। दिस इज ऑल मतलब ये एक होती है ना आउटसाइड द ऑन द पिच एस्पेक्ट्स आपको कंसिडर करने होते हैं, ये सब भी करने पड़ते हैं। बायर्न इज लाइक कि आप लेवेंडोव्स्की वहां पे है और आप वहां पे जा रहे हो, आप लेवेंडोव्स्की से ज्यादा करना मुश्किल है, यू कैन ओनली मैच हिज लेवल, सो यू नॉट ऑल्सो गोइंग टू बी नो सीमेंट क्रिएटिंग योर ओन लेगेसी इन सच अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो ये जो तीनों क्लब के नहीं जाने का रीजन, लाइक दीज आर द रीजंस व्हाई आई थिंक ही डिडंट गो टू दोस क्लब्स। सिटी में ऑब्वियसली दिख रहा है कि हेजूस, जैसे उत्कर्ष ने बात की, हेजूस जब आया था सिटी तो हेजूस से बहुत एक्सपेक्टेड था, उसने एग्वेरो को टीम से डिस्प्लेस भी कर दिया था, दैट इज टू हिज क्रेडिट, जब वो 19 साल का आया था सिटी में, बट अ प्रॉब्लम इज दैट ही हैजंट बीन रिलायबल इन दोज, यू नो बिल्कुल की मोमेंट्स होते हैं ना जो कभी कभी, जैसे मैड्रिड वाले मैच में भी कुछ कुछ ऐसे चांसेस थी जो उसने मिस की, उसके बाद आप उसकी लीग में भी देखो तो ही स्कोर्ड मतलब अभी 4 गोल उसने रिसेंटली मारे थे एक मैच में, बट अपार्ट फ्रॉम दैट वो एक होता है ना कि एक या दो मैचेस में आके ही प्रोड्यूसेस दोज नंबर्स, बट देन फॉर लॉट ऑफ मैचेस ही इज आइदर मिसिंग, और इसी चक्कर में चाहे वो वर्क रेट के लिए पेप उसे खिलाता है बट ही इज नेवर यूज्ड हिम ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस कि आपको लगे कि हाँ यार ये हमारी टीम में रिलाई कर सकते हो। हालैंड के साथ क्लियरली यू गेट अ नंबर 9 जो आपको एक तो एरियल थ्रेट देगा जो सिटी के पास इस समय लैकिंग है। मैड्रिड वाले मैच में देख लो कितने एमलेस क्रॉस दे रही थी सिटी, डिलीवरीज अच्छी थी बट देयर वाज नोबडी टू मीट देम, क्योंकि आपके पास एरियल थ्रेट नहीं है, यू गेटिंग हालैंड जिससे आपको एरियल थ्रेट मिल रही है, आपको एक बंदा मिल रहा है जो आपको बॉक्स में चांसेस बना रहा है, ही इज रिसीविंग द बॉल्स बिकॉज उसके नंबर्स देखो एलीट हैं, एलीट है उसके बिल्कुल नंबर्स व्हेन इन टर्म्स ऑफ रिसीविंग द बॉल इन द बॉक्स एंड क्रिएटिंग शॉट्स 12 यार्ड्स से उसकी जो शॉट परसेंटेज जस्ट क्रेजी। और सिटी के पास देखो तो देयर मेन शॉट टेकर्स आर महारेज एंड डिब्रॉइन, और महारेज और डिब्रॉइन दोनों एज ऑफ द बॉक्स से शॉट्स लेते हैं, तो सीधे तक दिखता है हमारे को कि बॉक्स में उनकी पेनिट्रेटिव थ्रेट है ही नहीं। दैट इज ऑल्सो अ बिग रीजन वाई सिटी नीडेड हालैंड। हम देख कहते हैं ना कि फॉल्स नाइन सिस्टम से पेप ने जो स्ट्राइकर की, जो सबसे बड़ी स्ट्राइकर की रिक्वायरमेंट सॉल्व कर दी थी, हमें बहुत बड़े गेम्स में, मतलब बड़े बड़े गेम्स में चैंपियंस लीग में जब वो यू नो व्हेन दे फेल शॉर्ट, हमें दिखा कि दे हैव अ ऑब्वियस नीड फॉर अ स्ट्राइकर बिकॉज यू कैन नॉट ऑलवेज विन विद दिस फॉल्स नाइन सिस्टम, क्योंकि आपके प्लेयर्स कितने भी फ्लूइड हो, कितने भी वेल परफॉर्मिंग हो, they are going to have some off games and us off games mein you need that you know killer instinct wala number 9 chahiye hota hai। ek cheez bahut obvious hai is deal mein ye ki Haaland is trying to build a brand here, kyunki dekho yes I know Madrid and Barcelona is a different pool but that is a different pool in India only, Premier League is one of the most watched league in the world, aur agle 10 saal mein na hum log baat karte hain city pe, humne ek live stream mein video bhi nikala tha uska कि अगले 10 सालों को सिटी फैंस मिलने लगेंगे बिकॉज सिटी इज विनिंग टाइटल्स, लोग उसको सपोर्ट करना शुरू करेंगे, तो वर्ल्ड वाइड ना ऐसी फैंस बनेंगे, तो अगले 10 साल के लिए हालैंड इज नेक्स्ट सुपरस्टार, वहां पे ब्रांड बिल्डिंग हालैंड की जबरदस्त हो सकती है भाई, ही कुड बी द नेक्स्ट मेसी इन रोनाल्डो ऑफ द पिच, ऐसे मेसी रोनाल्डो इतने बड़े क्योंकि ऑफ द पिच भी वो इतने बड़े ब्रांड है, ही कुड बी दैट नेक्स्ट बिग थिंग। और एक नेगेटिव कह सकते हो इस डील का है क्योंकि सिटी का एक फॉल्स नाइन सिस्टम, इट्स अ वेरी फ्लूइड सिस्टम, तो एवरीबॉडी चिप्स इन विद द गोल्स, तो भाई बहुत ही माइंड ब्लॉगिंग स्टार्टअप, ओनली बायर्न इज नेक्स्ट टू सिटी, उसके बाद थोड़ा सा गैप है कि सिटी के स्क्वाड देखो तो 7 प्लेयर्स पर मैच हैव एन XG+XA, दैट इज XG पर गोल्स एक्सपेक्टेड एंड SA इज एक्सपेक्टेड 0.5
अबव 0.5 पर मैच, हिंदी में समझा देता हूँ क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया, मुझे भी लगा कि क्या समझा रहा हूँ मैच। सात प्लेयर ऐसे हैं जिन्होंने पर मैच में भाई उनका एक्सजी प्लस असिस्ट 0.5 से ज्यादा है, नेक्स्ट इज बायर्न विद 6 प्लेयर्स, तो ये चीज सफर करेगी ही करेगी। लेकिन अली बात है ना कि व्हेन यू आर ब्रिंगिंग इन अ फिनिशर, यू आर ब्रिंगिंग फॉर अ सर्टेन पर्पस, यू लैक सर्टेन थिंग्स इन योर टीम, इसलिए आप इसको ला रहे हो। तो हालैंड कमिंग इन बॉयज, देखते हैं अगले सीजन प्रीमियर लीग बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। आर्सेनल इज द चैंपियंस लीग, स्पर्स इन द यूरोपा लीग एंड यूनाइटेड इन द कॉन्फ्रेंस लीग। बॉयज टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।